तस्वीरें फतेहपुर के तेलियानी विकास खंड के असवार तारापुर गांव की हैं। यहां राशन कोटेदार द्वारा बड़े स्तर पर घोटाला किए जाने का मामला सामने आया है। असवार तारापुर गांव के प्रधान का कहना है कि कोटेदार सूरपाल ने क्षेत्रीय खाद निरीक्षक और जिला विपणन अधिकारी से मिलकर सैकड़ों लोगों के दोहरे राशन कार्ड बना रखे हैं और कुछ कार्ड दूसरे गांव के लोगों के भी बने हुए हैं। इस बात का खुलासा जब आरटीआई के तहत एक महीने की जानकारी दो बार अलग अलग तरीके से मिली तब हो पाया है। यहाँ के कोटेदार ने फर्जी राशन कार्ड बनाकर और डबल राशन कार्ड बनाकर लगभग 5,87,490 रुपए का गबन किया है। इसमें क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक भी सम्मिलित है। कौन है क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक? रजत कुशवाहा क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक है। उनसे कई बार राशन कार्ड डबल वाले काटने की शिकायत की गई है किंतु उन्होंने नहीं काटे। अधिकारियों से शिकायत की आपने, इस मामले में क्या कहा? इससे पहले जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत की थी लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोटेदार ने गांव में रह रहे जिन लोगों के दोहरे राशन कार्ड बना रखे हैं उनको राशन न देकर उनके हिस्से का राशन में खुद घोटाला कर रहा है। हद तो ये है कि मरे हुए लोगों के नाम से भी राशन का खेल करने में माहिर है यहाँ का कोटेदार। मिलता है का तो देते हैं का तो नहीं देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं आपका नाम नहीं। अच्छा हाँ। इधर कितने दिन से नहीं मिला? इधर मजिक दिन से नहीं मिला यार। जय महीना क्या मिला है? 2 महीने से नहीं मिला। जाती हैं तो क्या कहता है? अगर दबाव बनाती हैं कि कहते हैं कि आपको नाम नहीं है और तुम्हारा कार्ड कट गया। पड़ोस के गांव वालों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि उनके नाम का फर्जी राशन कार्ड असवार तारापुर गांव में चल रहा है। लूट का ये खेल उजागर होने के बाद जिला विपणन अधिकारी ने अपनी गलती को कैमरे के सामने मान लिया। हो सकता है उसने 2 सर्टिफिकेट दिया हो और दोनों चला गया हो गलती से, ये भी हो सकता है। बाकी तो है आपकी तरफ से फाइल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ गलती मान लेने से काम चल जाएगा? इस बाबत हमने जिलाधिकारी महोदय से भी बात की तो वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं और टीम से इसकी विधिवत जांच कराई है। जांच होने दीजिए, अनियमितता पाने पे इसको निलंबित करेंगे, निरस्त करेंगे। अधिकारियों की अनदेखी या मिलीभगत से सवाल उठता है कि आखिर सख्ती की बात करने वाली योगी सरकार का सिस्टम इस कोटेदार के आगे बेकाबू क्यों साबित हो रहा है? फतेहपुर से जितेंद्र विश्वकर्मा, न्यूज 75.in।